Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aaj hum shuru kar rahe hain class 7 subject English poem number 5 sympathy. Iske question answer ka silsila hum shuru kar rahe hain. Question number 1 hai. When the poet was unhappy, who helped him and how? Jab yani poet jo tha, jab poet means shayar, yani dukhi tha to iski madad kisne ki? To मदद किस ए प्राउड हेल्पड हिम विद गोल्ड एक यानी घमंडी आदमी ने उसकी यानी किस से मदद की यानी सोने के जरिए उसकी मदद की यानी उसको सोना दिया क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे द रिच मैन बैक तो शायर ने अमीर आदमी का कर्ज कब और कैसे लुटाया तो इसका आंसर है द पोएट पेड द रिच मैन back his gold when he got well yani shayar ne jab tandrust ho gaya to usne ameer aadmi ko iska sona jo tha wo luta diya ab question number 3 how did the poor man show his sympathy to the poet yani kaise gareeb aadmi ne yani gareeb aadmi ne shayar ka yani jo yani gareeb aadmi ne shayar ke liye apni hamdardi कैसे जाहिर की तो इसमें है the poor man bound the poet's head he gave him bread to eat he watched him night and day यानी गरीब आदमी ने शायर का क्या किया शायर का सर बांधा इसने इसे खाने को रोटी दी इसने इसका दिन रात ख्याल रखा क्वेश्चन नंबर 4 द पोएट कुड नॉट पे बैक टू द पोर मैन व्हाई यानी जो शायर जो है गरीब आदमी का कर्ज चुका ना सका क्यों ऐसा क्यों वाई बिकॉज़ देयर कैन बी नो रीपेमेंट फॉर सच ए थिंग एज सिंपैथी कि क्योंकि हमदर्दी जैसी चीज का यानी कर्ज लौटाया नहीं जा सकता तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज सिंपैथी सेड टू द टू बी हीवनली यानी हमदर्दी को खुदाई चीज क्यों कहा गया है क्यों कहा गया है तो सिंपैथी कम्स फ्रॉम ए ट्रू जो हमदर्दी जो है एक सच्चे मेहरबान काइंड एंड प्योर हार्ट दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी हीवनली यानी हमदर्दी जो है एक सच्चे मेहरबान और मोतबर दिल में से आती है इसी वजह से खुदाई कहा गया है तो ये थे क्वेश्चन नंबर यानी ये क्वेश्चन 1 से 5 तक ये जो हमने पोएम रीड की है इसके ये क्वेश्चन थे आज के लिए इतना ही काफी है यहां से आगे हम क्या करेंगे लैंग्वेज वर्क जो है वो हम शुरू करेंगे तो दूसरी क्लास में आज के लिए इतना ही काफी